हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है कुकर में आलू का पराठा बनाना। तो आइए कुकर में हम आलू का पराठा बनाते हैं। आलू का हम कुकर में पराठा बनाएंगे। ये मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, 1 छोटा प्याज लिया है, इसको बारीक कट कर लिया है, 3 से 4 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, इसको कद्दूकस कर लिया है, 1 छोटा सा अदरक को भी कद्दूकस कर लिया है, 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है, और ये मैंने 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच मैंने धनिया लिया है, इसको 2 टुकड़ों में दरदरा कर लिया है, 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला और 1/2 चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लेना। और ये मैंने गुना हुआ आटा लिया है और ये मैंने सूखा आटा लिया है। तो आइए बनाते हैं हम नान। अब मैं ये आलू को इसी के अंदर ही कद्दूकस कर लूंगी। ये मेरे आलू कद्दूकस हो चुके हैं और इस आलू और प्याज सारे मसाले को मैं हाथ की मदद से मिक्स कर लूंगी। और इधर मैंने गैस पे कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है और ये हमारा मसाला भी मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें से आटा लूंगी और एक पेड़ा तैयार कर लिया है मैंने और अब मैं इसमें सूखा आटा लगाऊंगी और इसको बेल लूंगी और इसे मैं थोड़ा सा बेल लूंगी। अब मैं इसमें ये आलू भर लूंगी इसके अंदर। ये मैंने पेड़ा तैयार कर लिया है, इसी प्रकार से मैं दूसरा पेड़ा भी तैयार करूंगी। इसको भी मैं थोड़ा सा बेल लेती हूँ और इसके अंदर भी आलू भर लूंगी। ये मैंने दोनों के अंदर आलू भर लिए हैं और इन दोनों को मैं बेल कर तैयार करूंगी। ये हमने बेल लिया है, इसी प्रकार से मैं दूसरा भी बेल के तैयार करूंगी। ये हमारे दोनों पराठे बेलकर तैयार हो चुके हैं। ये मैंने कटोरी में पानी लिया है, अब मैं एक साइड इसमें पानी लगाऊंगी। ये मैंने एक साइड से पानी लगा लिया है और अब मैं इसको कुकर के अंदर लगाऊंगी और बिल्कुल धीरे से हम इसमें ये नान लगाएंगे आलू का और इसी प्रकार से मैं फिर कुकर को घुमाऊंगी। फिर भी मैं पानी लगा लूंगी। आलू के तंदूरी वाले नान बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखो मैंने इसको भी लगा लिया है और अब मैं कुकर को उल्टा कर दूंगी जिससे कि हमारे नान अच्छे से सिक जाएं आलू वाले। तो अब हम कुकर को सीधा करके देखेंगे। ये देखो कितने अच्छे से सिक कर तैयार हुआ है। इसको हम थोड़ा सा और सेक लेंगे और अब हम इस नान को निकालेंगे। ये देखो कितने बढ़िया से सिका है हमारा आलू वाला नान। ये देखो अब मैं इसको गैस पे सेक लूंगी। ये हमारा आलू वाला नान बढ़िया से सिक्के तैयार हो गया है। इसी प्रकार से मैं ये दूसरा भी छुटाऊंगी और इतनी आसानी से छूट के तैयार हो जाता है। इसे भी अच्छे से सेक लूंगी। इसे भी मैं करारा कर लूंगी सेक के। और ये हमारा नान भी सीकर तैयार हो चुका है और अब मैं इन पे दोनों पे बटर लगा दूंगी।
पे दोनों पे बटर लगा दिया है। और ये देखो मैं तोड़ के दिखाऊंगी, देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है नान हमारा। देखो आलू की फिलिंग कितने अच्छे से भरकर तैयार हुई है और ये हमारे आलू के नान बनकर तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने ये आलू के कुकर में नान बनाए हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।